ड्राइवर लेके आओ वहीं से ऑटो में. जिससे वो जिस लेवल पर आए हैं उससे और ज़्यादा पॉलिश होकर स्टेज पे परफॉर्म करें. तो डेफिनेटली आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोरियोग्राफर टू डू माई बेस्ट. तो जो भी कोरियोग्राफर हैं उनको डीप नॉलेज होती है डांसिंग को लेकर, लेकिन रियलिटी तो हम देखते हैं फिल्म स्टार्स हैं या फिल्म डायरेक्टर को भी अप्रोच करते हैं और वो भी लाइक बनते हैं, वो कहाँ तक लॉजिकल आपको लगता है कि फिल्म स्टार्स या फिल्म डायरेक्टर पार्ट ऑफ द शो बनते हैं? डांस इज एन आर्ट फॉर्म एंड व्हेन देयर इज अ जज हु इज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्टर पर्सपेक्टिव और एक्टर पर्सपेक्टिव, आई थिंक कहीं ना कहीं दे हैव नॉलेज ऑफ दिस आर्ट फॉर्म एंड दे माइट नॉट बी एग्जैक्ट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट आई फील दे हैव गुड नॉलेज एंड सेंसिबिलिटी टू बी सिटिंग इन दैट पोजिशन. सो आई हैव कम्प्लीट रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस. सो और ये भी आप थ्री सिस्टर्स तीनों की तीनों क्रिएटिव फील्ड में हो तो वो कितना हेल्प आउट करता है, यू नो डू यू डिस्कस ऑल द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स विद मी? एक्चुअली वी डू, आई टेक हेल्प फ्रॉम माई सिस्टर्स. सबसे ज़्यादा तो नीति दीदी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ क्योंकि जब भी कोई ट्रैक होता है जो कि फीमेल वॉइस में नहीं होता मैं कहती हूँ दीदी प्लीज़ ये गा दो, एंड देन नो मैटर हाउ बिजी शी इज़ आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज लाइक हाँ हाँ करे कहाँ करना है. कोई भी स्टूडियो में आने के लिए शी इज़ ऑलवेज रेडी एंड जैसा भी बने एंड में, क्योंकि कभी कभी बजट नहीं होता क्या होता है, बट शी विल कम एंड देन शी विल रिकॉर्ड इट. नेवर एवर शी हैज सेड नो टू मी. मुक्ति मुझे हमेशा क्रिएटिव एक्ट्स के लिए हेल्प करती है कि दीदी इसमें आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो. हमारे घर में हमेशा कुछ डिस्कशन ऐसा चलता रहता है. तो जस्ट डांस इज समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, क्या ऐसा चीज है जो लोग जानते नहीं आपके बारे में, यू आर पैशनेट अबाउट, यू वांट टू डू इन द फ्यूचर और डूइंग? आई लव स्पोर्ट्स, पर कहीं ना कहीं बॉम्बे में मुझे लगता है कि मेरा जो लव फॉर स्पोर्ट्स है वो बुझ जाता है क्योंकि रेन्स है फील्ड्स नहीं है. तो आई लव टू प्ले बैडमिंटन पर लॉट ऑफ रीजंस मतलब हम लोग नहीं परस्यू कर पाते हैं, बट व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज आई मेक श्योर दैट आई एम प्लेइंग बैडमिंटन रेगुलरली. और जो एकेडमी आपकी उसके बारे में बताइए कि वो एकेडमी के लिए क्या विजन है आपके फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं करने के बाद? आई थिंक नृत्य शक्ति स्टूडियोज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू लीव बिहाइंड, कि अगर शक्ति मोहन मर जाए नृत्य शक्ति स्टूडियो अमर रहे हमेशा. वो विजन उसका यही है कि यहाँ पर बच्चे आके ना ट्रू आर्ट फॉर्म को समझें एक्सप्लोर करें और अपने आप को उससे जोड़े. ये नहीं कि ये डांसर है इसकी तरह बनो, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ यू एंड दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू टीच. कि ज़रूरी नहीं है कि आप 30 साल के हो गए तो अभी आप डांस नहीं सीख सकते. हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि डांस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन अ एज और अ बॉडी कि मैं मोटी हूँ मैं डांस कर सकती. तो वी नीड टू ब्रेक ऑल दोज नॉर्म्स एंड गेट आउट ऑफ इट एंड एन्जॉय दिस आर्ट फॉर्म.